बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रथम चरण की बड़ी सौगात दी गई है। 296 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट से शुरू होगा, जो बांदा महोबा हमीरपुर जलौन होते हुए इटावा के कूद रौल गांव के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ा जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे आगरा के कुबेरपुर में आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद बुंदेलखंड की सीधी रोड कनेक्टिविटी लखनऊ और दिल्ली से हो जाएगी। दिल्ली पहुंचने में लगभग 5 घंटे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपाल अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी का कहना है कि अभी चित्रकूट से दिल्ली जाने की लगभग 12 घंटे का समय लगता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद लगभग 690 किलोमीटर का यह सफर होगा, लगभग 5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से समांतर विकसित होगा औद्योगिक गलियार एक्सप्रेसवे के साथ बुंदेलखंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे बड़ी योजनाओं में भी शामिल होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र के झांसी और चित्रकूट में रक्षा उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जमीन सरकार ने तैयार कर ली है, जो कि उसका भी योजना तैयार कर दिया गया है। इस पर क्या क्या होगा और भूमि को भी खरीदा जा चुका है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे विकास की मुख्य धारा में होगा। इस क्षेत्र में निवेश करने के आकर्षित होने वाले एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। इससे अब तक पिछड़े रहे क्षेत्र बेरोजगार की समस्या भी खत्म हो जाएगी, जिसे 15,000 करोड़ आएगी लागत तैयार होने में। 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट बांदा महोबा हमीरपुर जलौन और इटावा जिलों को लाभ भी मिलेगा, जिसका उम्मीद किया गया है। और 14,849.9 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उस सड़क मार्ग के जरिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी जोड़ा जाएगा, जो कि 296 किलोमीटर है लंबा। यह एक्सप्रेसवे अभी 4 लेन का होगा, भविष्य में इसे 6 लेन भी बनाया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को अभी पूरे तरीके से तय नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आपको भी लखनऊ और दिल्ली की राह भी आसान हो जाएगी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जाने में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को क्या क्या होगा फ़ायदा? चित्रकूट से शुरू होगा, 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे इटावा के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ा जाएगा। चित्रकूट जे NN पिछड़े लोकसभा और विधानसभा चुनाव, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तैयार किया जाएगा। और इस क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात दी गई है। 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे चित्रकूट से शुरू होगा, जो बांदा महोबा हमीरपुर जलौन होते हुए इटावा के रौल गांव के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को अभी पूरे तरीके से कार्य को नहीं किया गया है, जो कि उस पर चर्चा भी किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 4 लाइन है, अभी पूरे तरीके से 6 लाइन नहीं बनाया गया है, तो उस पर भी चर्चा किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि 6 लाइन भविष्य में किया जा सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे टोल टैक्स का भी
काफ़ी हद तक बनाया जाएगा, जो कि टोल टैक्स ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, अब इसे निर्धारित किया जा रहा है। और बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जो कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बलिया लिंक एक्सप्रेस वे, सारा इस समय तैयार किया जा रहा है, जो कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में लागत काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, अच्छा खासा अमाउंट है। आई होप वीडियो पसंद आया, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब।